हाय व्यूवर्स, गरुड़ पुराण में बताया गया है जिनका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों से नहीं होता वो भूत प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। जहाँ व्यक्ति की मौत होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है, यहाँ अननेचुरल एक्टिविटीज होती रहती हैं। ऐसी ही कुछ खूबसूरत जगह उत्तराखंड में भी हैं। इन जगहों को गवर्नमेंट ने भी घोस्ट टूरिज्म के रूप में प्रमोट किया है। पहला है लांबी तहर माइंस। अंग्रेजों के ज़माने में ये मार्बल की खान हुआ करती थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ से कई लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यहाँ आकर रिसर्च कर चुकी है और वो भी इस जगह को हॉन्टेड मानते हैं। 1990 से पहले तक यहाँ 50,000 से ज़्यादा श्रमिक काम करते थे। चूने की इस खान में चूना मजदूरों के फेफड़ों में जम गया। इसके बाद बहुत से श्रमिक धीरे धीरे यहीं मर गए, बाकी घर वापसी में ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए। तब से ये माइंस बंद है और भूता घोषित हो गई। अगला है परी टिब्बा। परी टिब्बा फेरी हिल्स मसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ घने जंगल है। रिस्कन बॉन्ड की फेमस किताबों में इस जगह का कई बार जिक्र किया गया है। ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। इस जगह की अजीब बात है कि यहाँ बहुत बिजली गिरती है, आधे जले हुए पेड़, घना जंगल और कई डरावनी कहानियाँ इस जगह को और डरावना बना देती हैं। लोग कहते हैं कि एक शादीशुदा जोड़े पर यहाँ बिजली गिर गई थी और वो जिंदा जल गए थे, और कुछ लोगों का यहाँ परियों को देखने का दावा किया गया है, इसलिए ये जगह हॉन्टेड है। अगला हॉन्टेड हाउस है लोहा घाट, जो उत्तराखंड के चंपावत में मौजूद है। यहाँ एक बंगला है, उसे एबी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सेना ने इस घर को एक अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया था। इस अस्पताल में एक अजीब सा डॉक्टर था जो मरीजों से बात करके उनकी मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी कर देता था। उनकी मृत्यु की तारीख से पहले उन मरीजों को वो मुक्ति कोठरी नामक जगह पर ले जाकर मार देता था। लोगों का कहना है कि उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं थी, बस वो अपनी बात को सच करने के लिए मरीजों को मार देता था। मारे गए लोगों की आत्मा आज भी उस हॉन्टेड हाउस में भटक रही है। नेक्स्ट है सवॉय होटल। उत्तराखंड का एक भूतिया प्लेस सवॉय होटल है जो मसूरी में है। ये इतना फेमस था कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू भी काफी बार रुक चुके हैं। कहा जाता है कि 1911 में एक ब्रिटिश महिला आई, वो अपने मंगेतर की मौत के बाद उससे बात करना चाहती थी, इस वजह से उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उस महिला के दो पर्सनल स्टाफ थे, उनकी भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उस महिला का भूत यहाँ हर कमरे में जाता है और अपने कातिल को ढूंढता है। अगला है मुलिंगन मैंशन। भारत में जो पहली गोरखा बटालियन बनी उनके पहले कैप्टन का नाम था कैप्टन यंग। मसूरी को उनके द्वारा बसाया गया था। मसूरी में उन्होंने एक शानदार हवेली बनाई जिसका नाम था मुलिंगन मैंशन। जब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने का हुक्म मिला तो कैप्टन यंग अपनी हवेली में गायब हो गए। उसके बाद कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। लोग कहते हैं कि आज भी कैप्टन यंग का भूत इस हवेली में रहता है। अगर इन हॉन्टेड टूरिस्ट प्लेसेस में आप आज तक नहीं गए तो यहाँ जाने का प्लान जरूर बनाएं। वीडियो को जाते जाते करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। बाय व्यूवर्स।